इसको आप है ना एक बना के रखिए, इसको तोड़िए, जैसे ये ना ये इनको ज़्यादा फूट गए ना ये, इनको तोड़ के फेंक दीजिए और एक पौधा रहेगा तो आपका फल बन जाएगा, बड़ा होगा। अगर सारे अगर रखेंगे आप तो इसमें से फल नहीं लगेगा। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल खेती किसानी पर। आज दिखाएंगे आज जो पत्ता गोभी की खेती करते हैं, अकेती पत्ता गोभी कैसे खेती की जाती है, जो इन किसान ने की है, इनके फार्म पे आए हैं तो पूछते हैं इनसे इनने कौन सी वेराइटी लगाई है, पूरी संपूर्ण जानकारी देंगे, कब लगाना है, कैसे लगाई है, कितनी दूरी पर लगाई है। आप देख रहे हैं इनका फार्म बहुत ही शानदार है। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, क्या हाल चाल है? बस बढ़िया है। क्या पत्ता गोभी लगाई है? अगेती। अगेती कौन सी है? ये इंदू है, सेमिनस की। इंदू सेमिनस की। और कितने दिनों की हो गई है आपकी गोभी? ये नर्सरी के बाद एक महीने की हो गई है लगभग। मतलब एक महीना नर्सरी का और एक महीना चोपने के बाद में। अच्छा, अभी कुछ बीमारी वीमारी तो नहीं है? अभी तो नहीं दिख रही है। अच्छा, पानी कितना दे रहे हो? पानी ड्रिप से चल रहा है। ड्रिप से रोज चलता है? हाँ, डेली। पानी कम है थोड़ा आपके पास? हाँ, गर्मी का टाइम है, पानी तो कम। और इल्ली के लिए क्या दे रहे हो? इल्ली के लिए अभी सक्सेस दी थी, पर चौथे पांचवे दिन में स्प्रे चल रहा है। चार पांच दिन में एक बार स्प्रे करना पड़ता है? जी हाँ। इसके पहले कौन सी दवाई डाली है आपने? इसके पहले बाराजाइट। बाराजाइट इसमें केवल इल्ली लगती है? हाँ, सिर्फ इल्ली और कुछ मच्छर वगैरह भी थे पहले। हाँ, तो मच्छर की शिकायत नहीं है। अच्छा, कितने महीने में आ जाती है फसल ये? ये दो महीने में तैयार हो जाती है। दो महीने में तैयार हो जाती है? हाँ, नर्सरी के बाद। नर्सरी के बाद अभी एक महीना हो गया है। एक महीना हो गया, एक महीना और लेगा। हाँ, है ना। और इसमें निंदाई गुड़ाई भी करनी पड़ेगी? निंदाई चल रहे हैं ये भैया सर, निंद रहे हैं ना। हाँ, जो ये आपके पौधे फूट रहे हैं, जैसे ये फूटा हुआ है क्या? हाँ, तो इनको है ना जैसे तोड़ा है ना, ये जैसे एक एक रह गया, अभी ऐसा बनाना है। अब जो से भी नीचे सब फूट गए हैं, इनको घूम घूम के सबको एक बनाना है। क्या बनाना है? जैसा आप कहें, विशेषज्ञ हैं आप। नहीं, वो हम भी पहले खेती करते थे तो हमको मालूम है, इसलिए आपको बता रहे हैं। हमने भी पत्ता गोभी की खेती बहुत की है, और हमारे यहाँ खेत में थोड़ा वायरस ज़्यादा आने लग गया तो हमने बंद कर दी। तो आपको दिखाते हैं, ये जैसे ये पौधा है, ये है एक पौधा, इसमें से भी बहुत सारे फूट गए हैं। तो आप नीचे नीचे के तोड़ दीजिए और एक रखिए, और हमेशा इसको सुबह शाम पिलाइए। क्या गर्मी में पानी नहीं देने का है? रात को पिलाइए या सुबह शाम पिलाइए। गर्मी में अगर जैसे गर्म हो जाती है मतलब मिट्टी, तो फिर वो पानी भी गर्म होता है और जड़ें तक गर्म पानी जाता है, तो इससे अपना पौधा चलता नहीं है ढंग से। तो शाम सुबह में पिलाइए, रात को पिलाइए, और पानी और थोड़ा दीजिए इसको, पानी की कमी है इसमें। आप क्या कर रहे हैं आज? आज तो आपके खेत पे आ गए हैं वीडियो बनाने के लिए, कुछ मिला नहीं तो चलो अशोक भैया खेत पे ही चलते हैं, पत्ता गोभी की जानकारी लेते हैं और उनका वीडियो बना लेते हैं। क्या और कुछ बीमारी वगैरह दिख रही है क्या? नहीं, कुछ बीमारी लीली तो कुछ भी नहीं है आपके खेत पर, ना मच्छर है, सिर्फ आपको ये जो जो घास दिख रही है खरपतवार, इसको उखाड़ के फेंकना है, और जो ये भेड़े हो गए हैं इनको तोड़ना है, तो आपका पौधा अच्छा रहेगा और ये फल भी एक किलो का बन जाएगा। अगर आप नहीं तोड़ेंगे इनको तो ये 200 ग्राम 250 ग्राम के ही रहेंगे। तो घूम घूम के आप ये भी काम कर लीजिए, आपका फायदा है। नुकसान है क्या? नहीं, फायदे वाली बात बोल रहे हैं तो फायदा ही है। हाँ चलो ठीक साहब, आपका खेत अच्छा लगा। क्या कौन से महीने में लगाई थी ये? लगाई थी मई में, 20 मई में। 20 मई में, मतलब भरचक गर्मी में टेम्परेचर हाई था ना, 40 डिग्री तापमान में। हाँ, 40-42 डिग्री। हाँ, फिर भी आपके पौधे अच्छे हैं, नहीं तो वो सूख जाते हैं क्या? हाँ, पौधे नहीं गए हैं। टेम्परेचर अच्छा मैनेजमेंट हो गया इसमें। और खाद वाद दिया? खाद दे दिया 19-19। अच्छा, ड्रिप द्वारा? हाँ, ड्रिप द्वारा ही दिया है। और DAP भी दिया? और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी दिए हैं। DAP वगैरह तो बेड निकाले थे तभी दे दिया था। अच्छा, उसमें ही डाल दिया था? DAP पहले ही दे दिया था। हाँ, अब जो ड्रिप में जो खाद जाता है वो दे रहे हैं? ड्रिप से ही दे रहे हैं। ठीक है, अच्छा है। तो अगर अभी खाद देंगे तो इसमें पत्तों पे गिरने का डर और जलने का डर भी रहता है। आपने अच्छा किया, जो आप बेड बनाए उस टाइम पे DAP डाल दिया, तो आपका वो मतलब लेबर भी नहीं लगेंगे, है ना, और खाद भी जमीन में चला गया पूरा। अब पूरे जड़ें जाएंगी, जहाँ तक खाएगी खाद को।
ये कौन नींद रहे आपके मजदूर? अच्छा, कितना एरिया लगा है ये? 2 बीघा के लगभग। 2 बीघा है। कितनी पूड़ी में आ गया? 2 बीघा है। 2 बीघा आ गया था 25 पूड़ी में। 25 पूड़ी में 2 बीघा आ गया ना। दाने तो 30 पूड़ी थे। अच्छा, 5 पीढ़ी हमने बेच दिया उसको, सेल कर बेच भी दिया ना। चलो साहब, ठीक, धन्यवाद आपका। ठीक।